ऋषभ, हम जा रहे हैं गाँव गाइस। देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, हम पहले गुड़गांव जाएंगे। वाओ कितनी बड़ी बिल्डिंग है गाइस, हम प्रिंस भैया के फ्लैट जा रहे हैं। प्रिंस भैया के फ्लैट जाएंगे, रामपस्ता है हम, रामपस्ता सिटी में। देखो ठीक है, हमें उनके घर पे देखो क्या मिला, जेसीबी। गाइस देखो, हम फोर्थ फ्लोर पे है उनका घर। उनका घर फोर्थ फ्लोर से देख रहा है ऋषभ, पोनू जेसीबी देख रहा है। ये देखो हम उनसे निकल चुके हैं वहाँ से। और हाँ, ये देखो कौन सा स्कूल आने वाला है अब, बता नहीं गाइस। ऋषभ क्या देख रहे, तुम तो फोन देख रहे थे, तुम और पोनू तो अब वहाँ से निकल गए। हम किसको लेने के लिए जा रहे हैं अब हम जा रहे हैं वंशिका दिव्यांग को लेने। अब वंशिका और दिव्यांग को लेने के लिए जा रहे हैं हम। गाइस हम रिवाड़ी पहुँच रहे हैं, रिवाड़ी पहुँचने वाले हैं। हम रास्ता भूल गए थे ना, है ना, वहाँ पे जगह जा रहे थे जब रास्ता भूल गए। ट्रेन ने हमारा रास्ता भी रोक लिया था गाइस। देखो यूरो स्कूल लिखा, यूरो स्कूल और सिग्नेचर हॉस्पिटल, ये गुड़गांव का रास्ता है। अब हम बस गुड़गांव से निकल चुके हैं, रिवाड़ी में गाइस बहुत ज्यादा पोपट हो गया गाइस, हमारा पोपट हो गया। और ये फाइनली हम ऋषभ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। आज हम गाइस जाने वाले हैं गांव। देखो गाइस बहुत ज्यादा बारिश आ रही है, फिर भी हम जा रहे हैं। फिर भी जाना जरूरी है क्या? देखो बारिश दिख भी नहीं रहे पेड़ तो। गाइस आज हम गांव जाएंगे और अभी और मंगी से मिलने और बुआ जी और हम अभी चीजें लेने जाएंगे। और ये लवी और वंशिका। हेलो गाइस। हेलो। और ये कौन है? ये फोंडे। चलो चलते हैं गांव में जाके मिलते हैं आपको। ओके उससे टेबल मांग के लाई और उस पर पैर भी नहीं था उस टेबल पे, तो मैंने नीचे से ईंट लगा के वो टेबल इसके लिए ऊंचा करा। एक टाइम था जब सौरभ जोशी की मम्मी किसी और से टेबल मांग कर लाती थी ताकि उस पर सौरभ आर्ट बना सके, लेकिन आज ऐसा समय है जहाँ पे सौरभ ने जा रहे गाइस हम रुके हैं घर के लिए लेने के लिए। और ये दिव्यांग सोच रहा है मैं जाऊं या नहीं जाऊं, लवी को खिलाऊं। लवी के पास भी रुकना चाहता है और जाना भी चाहता है। फाइनली इसने डिसीजन लिया, मैं लवी को कार पे बिठा रहा है और वंशिका इसके साथ मस्ती करी। हमें एक स्कूल दिख रहा है, वंशिका इसके सामने दिख रही है, सरस्वती माँ दिख रही है, तो उसको हाथ जोड़ के प्रणाम कर रही है। वन मोर सोर्स फॉर वंशिका, पैसा पैसा दी। ऋषभ देखो क्या कर रहा है, ऋषभ वेट कर रहा है कब से चीजी लेके आएंगे पापा। दिव्यांग को बेसन के लड्डू खा रहा है और यहाँ पे एक डोगी था उसको दिव्यांग ने एक लड्डू डाल दिया है। दिव्यांग के साथ लड्डू खा के सामान लेके हम घर के लिए निकल चुके हैं और बच्चे बहुत एक्साइट हो रहे हैं घर जाने के लिए। काफ़ी दिन हो चुके हैं घर गए हुए, इनको गांव गए हुए। व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है बारिश के बाद, सब कुछ क्लीन क्लीन सा हो रहा है और कुछ दिल्ली की एनवायरनमेंट से निकल के भी अच्छा लग रहा है काफ़ी दिनों के बाद। देखो व्यू कितना अच्छा आ रहा है, व्यू दिखाती हूँ, अच्छा लग रहा है ना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब, पहुंच गए गाँव। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अरे रुक।